नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं आप सब लोगों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके आऊँगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। कुछ होते हैं अच्छे स्टूडेंट्स जिनको खुद टाइम टेबल बनाना पसंद है और उसी के ऊपर अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, वो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आज मैं आपको अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बताना चाहूँगा जो एक NDA स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, NDA एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए, प्लस जो क्लास 12th में भी है। ठीक है, तो दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो ध्यान दें जो नॉन प्लस में है, बिकॉज प्लस वाले स्टूडेंट्स का अनअकैडमी प्लस पे जो है उनका ऑलरेडी एक फिक्स शेड्यूल रहता है, क्लासेज रहती हैं। ठीक है, अगर आप बाय चांस बाय एनी मैटर आप प्लस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और स्पेशल क्लासेस के थ्रू हैं या हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये एक कंप्लीट टाइम टेबल है। आप ध्यान से नोट करिएगा एंड आई वांट कि अगर आप लोग अच्छा फिक्स टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं दोस्तों, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी के हिसाब से ही फॉलो करें इसको। ठीक है, सबसे पहला आपने 7 से 8 बजे के बीच में जो है ना, 7 से 7:45 रेदर मैंने लिख रखा है पूरा AM, आपने जो है उठ जाना है, यू नीड टू वेक अप। मैंने एक अच्छा, ज़्यादा भी अर्ली इन दी मॉर्निंग मैंने उठने का शेड्यूल आपका नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आदत क्या है रात को लेट नाइट पढ़ने की, बिकॉज मैं भी आपको रात तक लेट तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूंगा वीडियो के बीच में ही कि आज हमारी 3:45 पे स्पेशल क्लास भी है 3:45 PM पे, तो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा आपने ज्वाइन कर लेना है। प्रोबेबिलिटी के बेहतरीन सवाल आपको कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। क्लास को अनलॉक करने के लिए जब आप लिंक पे जाएंगे तो आपको पूछेगा अनलॉक कोड, तो वहाँ आपने टीम अर्पित लिख देना। ठीक है जी, क्या लिखेंगे आप? टीम अर्पित। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री होती है स्पेशल क्लासेस, तो क्लिक करेंगे वहाँ आपको ID मांगेगा अपनी, बना लेना और टीम अर्पित अनलॉक कोड डाल देना, फ्री में खुल जाएगी क्लास 3:45 PM। ठीक है जी, तो आपने 7 से 7:45 AM तक आपने उठ जाना है। उसके बाद सुबह सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग 8 to 9 आपकी धीरज सर की क्लास होती है अंग्रेजी की। ठीक है जी, तो आपने इंग्लिश पढ़ना है। मैं आपको सेशन दूंगा बिकॉज इंग्लिश कभी कभी हो जाता है बोरिंग सब्जेक्ट, तो अगर आपको कोई टीचर पढ़ाए, क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, कोई टीचर पढ़ाए तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है, और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामेटिकल एरर बच्चा पेपर के अंदर करता है। ठीक है, तो 8 से 9 आपने जो है इंग्लिश की क्लास धीरज सर के साथ ही लगानी है, क्योंकि सर प्रैक्टिस भी वहीं कराते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं 9 से 11। ये जो टाइम पीरियड आपका, ये मैंने आपका बांधा है साइंस का, क्योंकि अभी तक कोविड चल रहा है तो आप 9 से 11 भी जो है वो फ्री ही रहेंगे। ये आपका बांटा मैंने साइंस का बेटे। साइंस में आप चाहे बायो पढ़े पहले, चाहे फिजिक्स पढ़े पहले, और चाहे केमिस्ट्री पढ़े, ओवर द रीसेंट ट्रेंड ऑफ UPSC अगर आप एनालाइज करेंगे, जनरल स्टडीज के अंदर साइंस के 50 से 60 क्वेश्चन की वेटेज रखी जा रही है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन अकेला फिजिक्स कंसिस्ट कर रहा है, तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी है। NDA का फिजिक्स का सिलेबस और ग्रुप एक्स का फिजिक्स का सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। NDA पूछता है ओवरव्यू, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी को साथ NDA के जोड़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स में डिटेल में पूछते हैं फिजिक्स 11th एंड 12th की, NDA के अंदर 10th लेवल पूछते हैं और 11th 12th का जस्ट एक ओवरव्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सजेशन दूंगा कि या तो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही हैं क्लासेस सेम टाइम 9 से 11 चल रही हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बेहतर ढंग से और किसी किताब से पढ़ सकते हैं तो कोई भी रेफरेंस बुक आप उठा सकते हैं, चाहे आप दिशा पब्लिकेशन की कोई भी किताब उठा सकते हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और टीचर के कोई और बढ़िया अगर आपको नोट्स मिलते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत, अनअकैडमी पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, तो आप उधर से भी साइंस का प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो रेलेवेंट होना चाहिए NDA एग्जामिनेशन के लिए एंड नॉट फॉर दी एक्स ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद यहां पे मैं ब्रेक लूंगा 11 से 1 बजे तक, या 1:30 बजे तक, डेढ़ है ना, हाँ 11 से 1:30 बजे तक हमारी है ब्रेक। PM हो गया अब तो, 11 से 1:30 बजे तक की बच्चे हमारी है ब्रेक। ठीक है जी, इस ब्रेक के अंदर जो प्लस टू वाले बच्चे हैं वो तो अपना क्लास 12th का पढ़ेंगे, और जो NDA वाले बच्चे हैं वो लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लासेस से ब्रेक है प्रैक्टिस का टाइम, पढ़ाई से ब्रेक नहीं है दोस्त। ठीक है, 11 से 1:30
जो प्लस टू वाले बच्चे हैं वो क्लास ट्वेल्थ पढ़ेंगे एंड एनडीए वाले बच्चे प्रीवियस ईयर लगाएंगे, जिसमें से वो इस टाइम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो ढाई घंटे का टाइम पीरियड आया है इस टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे, जिसमें 30 मिनट्स आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं और एक घंटा आप मैथ्स के पीवाईक्यूज लगाएं और एक घंटा आप जीएटी के प्रीवियस ईयर लगाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में अगर आप ट्रेंड एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो 11 से 1:30 बजे तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। देन उसके बाद 1:30 से 2:30 बजे तक आप लेंगे रेस्ट बच्चे। यहाँ पे 1:30 से 2:30 होगा आपका रेस्ट, जिसमें आप लंच कर सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको टाइम में मैनेजमेंट सिखाई है कि लंच और रेस्ट भी आप कर सकते हैं बीच के अंदर। उसके बाद 2:30 बजे के बाद 2:30 PM से 3:30 PM आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टडी हिस्ट्री। अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि सर व्हाई हिस्ट्री, इस टाइम तो नींद आती है बच्चों को, इस टाइम तो मैथ्स पढ़ना चाहिए। देखिए बेटे मैं आपको बताऊं, मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है उस समय ब्रेन हमारा अटेंटिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा। दोपहर का टाइम, ऊपर से गर्मियाँ, ये थोड़ा सा जो टाइम पीरियड होता है नींद वाला होता है, जनरली स्टूडेंट्स को नींद आती है इस टाइम पीरियड में ना, दोपहर में टाइम में। तो आप क्या कर सकते हैं इस समय हिस्ट्री पढ़ें, सर और नींद आ जाएगी। नहीं बेटे, क्योंकि आपका जीएटी का पेपर आपको पता है दोपहर में होता है, तो आप अपने ब्रेन को उसी हिसाब से स्ट्रेटजाइज करेंगे कि आप उसी उतने ही बोरिंग सब्जेक्ट से डील करेंगे जितना आपको पेपर में डील करना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी हैबिचुअल बन जाएगी। 21 से 50 दिन के आसपास लगते हैं किसी भी टाइम पीरियड को उसको अपनी डेली रूटीन में फॉलोअप करने के लिए या फिर उसको अपनी हैबिट में लाने के लिए। तो आप लगातार अगर एनडीए के लिए लगाएंगे, क्योंकि अभी 90 से 95 दिन आपके एनडीए एग्जामिनेशन में अभी पड़े हुए हैं, तो 2:30 से 3:30 आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही टाइम आपका प्लस में भी है। अगर आपने देखा हो तो 2:30 से 3:30 का टाइम पीरियड हमने, यानी कि मैंने ही डिसाइड किया था टाइमिंग, 2:30 से 3:30 प्लस का ही रखा गया है, वो उसमें भी हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। तो अगर आप नॉन प्लस है तो इसमें 2:30 से 3:30 भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 3:45 to 4:45 ये बेटे आपका मैथ्स का प्रैक्टिस टाइम है। ये आपका मैथ्स का क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस, कोई भी एक चैप्टर आप जो पकड़ रहे हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर आप पकड़ें, एक चैप्टर होना चाहिए मेरे साथ, एक आपका पर्सनल चैप्टर होना चाहिए जो आपका साइमल्टेनियसली हमारे साथ चल रहा हो। ठीक है, चाहे आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं चाहे प्लस पे पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आपका पर्सनल भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, ताकि जिसमें आप थोड़ा 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 पहले से ही कोई भी बुक से या कोई भी रेफरेंस बुक से या कोई भी यूट्यूब वीडियो से, पुराने मेरे लेसन से या किसी और टीचर से कोई ना कोई रेफरेंस आप लेते चलें। ठीक है जी, तो 3:45 4:45 आपका ओन टाइम है जहाँ पे आपको मैथ्स का एक चैप्टर सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका 5 से 6 जो टाइम पीरियड है ये आपका लेजर है, ये फ्री टाइम पीरियड रखना आपने। ये आपका फ्री टाइम पीरियड है, इस फ्री टाइम पीरियड में आप कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ रन, आप जॉगिंग कर सकते हैं, खैर अभी तो कोविड चल रहा है, अपनी छत पे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, या सामने अगर आसपास आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो आप मास्क वगैरह अपनी बॉडी को कवर करके ग्लव्स वग पहन के आप एक्सरसाइज, क्योंकि फिटनेस का ध्यान भी आप लोगों ने ज़रूर देना है। सो 5 से 6 इज योर लेजर टाइम। उसके बाद 6:30 to 7 PM आपका होना चाहिए बेटे योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइम, दैट इज योर वीडियो मेकिंग टाइम। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने एक बार पहले भी चैलेंज दिया था, अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर वीडियो मेकिंग टाइम क्या है, ये क्या बता दिया आपने, वीडियो क्या बनानी है। देखिए बेटे SSB आप सब लोगों ने फेस करनी है, एंड जो मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे बाहर आ जाते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आपकी स्पोकन इंग्लिश इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए अगर आपको फौज में जाना है, दे डोंट रिक्वायर विलियम शेक्सपियर देयर। ठीक है, या फिर कोई बहुत अच्छी फ्लुएंसी वाले लोगों को ज़रूरत नहीं है फौज में, फौज में ऐसे बंदों को ज़रूरत है एटलीस्ट दे आर एबल टू कन्वे देयर सेम्स, मतलब अच्छे ढंग से
वो जो बात बोलना चाहते हैं वो बता सके, बिकॉज लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। ठीक है, ये बात याद रखना, लैंग्वेज आप सीख सकते हो कभी भी। बचपन में हिंदी सीख ली थी, फॉरेन में लोग अंग्रेजी भी बचपन से ही सीख लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सीख जाओगे। बात है कॉन्फिडेंस। जब आप कैमरा को फेस करते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके किसी एक टॉपिक पे, जो SSB में जैसे लेक्चरेट होता है, कोई भी आपको गूगल पे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, एजुकेशन इशू हो गया इंडिया के अंदर, या कश्मीर इशूज़ हो गए कितने टाइम से चल रहे हैं, इंडो पाक रिलेशन हो गए, इंडो चाइना रिलेशंस हो गए, तो इनके बारे में आप कैमरा ऑन करके, फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलिए। बिकॉज उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पहली वीडियो बेकार बनेगी, दूसरी वीडियो भी बेकार बनेगी, जब 50-60-100 वीडियोज़ बना लोगे तब देन यू विल सी दी चेंज। और ये एक्टिविटी मेरे प्लस के स्टूडेंट्स भी डेली परफॉर्म करते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल एज वेल कि आप भी ये जो है टेस्ट ज़रूर परफॉर्म करें एंड 100 डेज चैलेंज लेके चले। अब जब 100 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। ठीक है, अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे और अब वीडियो देखेंगे, आपको डेफिनेटली यू विल सी दी चेंज। क्योंकि उस समय आई वॉज न्यू टू कैमरा, और उस समय जब आदमी कैमरे को पहली बार फेस करता है उसको डिफ़िकल्टी होती है। जब आपने कैमरा फेस कर लिया, आप हज़ारों लोगों के सामने ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो 6:30 से 7 आपका मैंने ये टाइम रखा हुआ है जिसके अंदर आप जो है अपना वीडियो कंटेंट बना सकते हैं। 7 बजे आप सब लोगों को पता है अपनी यूट्यूब सेशन होता है, तो उसको मैं मिस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू अटेंड दो सेशन। तो 7 बजे वाला, 7 से 8 PM वाला बच्चे अपना जो है मेरे साथ आप यूट्यूब के ऊपर मैच पढ़ेंगे। उसके बाद 8:30 हमारी स्पेशल क्लास होती है, वो भी यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मैं मिस नहीं कर सकता। 8:30 to 9:30 PM हमारी स्पेशल क्लास होती है, उसको भी हम लोग बेटे मिस नहीं कर सकते। तो ये भी अपने टाइम टेबल में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 10:30 से बीच में 1 घंटा मैंने छोड़ा है, आप अपना डिनर कर सकते हैं। 10:30 से उसके बाद 11:30 या 11:45 तक अगेन आप अपनी 12वीं क्लास की तरफ, क्लास 12th की तरफ फोकस करेंगे। और जो क्लास 12th में नहीं है बच्चे, जो क्लास 12th के नहीं है बच्चे, वो अपना यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, 10:30 से 11:45 तक आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर कभी हमारी मैराथन क्लास हुई तो यहाँ पे आप अपना क्लासेस लगा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया शेड्यूल है, इसको टाइमली मैं चेंज करूँगा विद इन 2 मंथ। जब हमारा लास्ट 1 महीना रह जाएगा, मैं एक और टाइम टेबल पर वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, सो दैट कि जो, क्योंकि उस समय मुझे टाइम टेबल थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टाइमिंग आपके लिए खेलने कूदने के लिए भी रखी है, रिलैक्स होने के लिए भी रखी है, क्योंकि 10:30 से 11:45 हमारे रिसेप्टर जो है स्लो हो जाते हैं। आप 7 बजे के सुबह से उठे हुए हैं, थक जाते हैं, सारा दिन क्लासेज लेते हैं, आइस पे भी स्ट्रेन पड़ता है, आई अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए ये वाला टाइम पीरियड मैंने फ्री रखा है, इसको कभी कभी हम लोग कंज्यूम करेंगे, जैसे कि आज, क्योंकि आज हमारी मैराथन क्लास है 10 बजे। आप सब लोगों को पता है सीक्वेंस सीरीज पे अनअकैडमी वॉरियर यूट्यूब चैनल पे आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल, सो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 3:45 हमारी स्पेशल क्लास है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को हर एक उस NDA एस्पिरेंट्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहा है NDA 2 2021 के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।